नमस्कार, स्वागत है आपका कोबरा पोस्ट इन डेप्थ में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। हर रोज की तरह आज भी हम एक मुद्दा उठाएंगे और उस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो आज का मुद्दा है कि आखिर AIADMK जो कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी है, उसका अब क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे। कयास जो लगाए जा रहे थे कि क्या अम्मा की निधन के बाद पार्टी टूट जाएगी या फिर AIADMK बनी रहेगी। तो पार्टी आपको बता दें कि टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और पार्टी की सचिव शशिकला के बीच गहरी तकरार शुरू हो गई है। और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या शशिकला पन्नीरसेल्वम को पद से हटा देंगी या फिर पन्नीरसेल्वम जो बगावत कर चुके हैं और बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं, अब वो शशिकला की गद्दी को ही हिला देंगे। खैर, जो भी होगा इस पर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ देंगे इकलाक। इकलाक आप जानते हैं, इकलाक हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और अक्सर इस तरह की खबरों में इनकी खासी रुचि रहती है। इकलाक, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जयललिता के निधन के बाद तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी AIADMK अब टूटने की कगार पे है। पार्टी में दो गुट हो चुके हैं, एक धड़ा जयललिता माफ कीजिएगा कि एक धड़ा जो है वो ओ पन्नीरसेल्वम को सपोर्ट करता है तो दूसरा शशिकला को। तो शशिकला की मंशा पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर शशिकला की मंशा क्या है। देखिए, शशिकला की मंशा या ओ पन्नीरसेल्वम की मंशा, अगर इसकी बात हम करेंगे तो पार्टी में दो फैक्शंस की बात आपने पहले ही कही कि दो फैक्शंस हो चुके हैं। एक तरह से पार्टी बढ़ चुकी है, मगर अभी AIADMK फिर भी एक तरह से रुकी है, मगर फैक्शंस बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं। तो उन फैक्शंस में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर शशिकला बात कर रही है, शशिकला की मंशा की हम बात कर रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो ये जो है लीगेसी को आगे बढ़ाने वाली बात है कि जयललिता की लीगेसी को कौन बढ़ाएगा। और इस बात को हम बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, जैसा कि उन्होंने हॉस्पिटल में भी कहा कि ओ पन्नीरसेल्वम ही लीगेसी को आगे बढ़ाएं, वही चीफ मिनिस्टर हों और वही आगे लेके चलें। मगर जैसा कि देखा हमने डिमाइस के बाद या डेथ के बाद या उनकी मौत के बाद कि बहुत जल्दबाजी में इनको सेक्रेटरी चुना गया शशिकला को, और सेक्रेटरी जबकि वो टेम्परेरी पोजीशन थी, मगर उसके बावजूद भी इन्हें सेक्रेटरी चुन लिया गया। सारे मेंबर्स रेडी नहीं थे, फिर भी इनको सेक्रेटरी का पद दिया गया और पार्टी को आगे बढ़ाया गया। और जहां तक के और उसमें फिर मंशा लीगेसी को ही लेकर चली, तो अभी भी अगर शशिकला की मंशा की हम बात करें तो एक लीगेसी है जिसको आगे बढ़ाने की, और वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहती है, बात बिल्कुल क्लियर है। तो बात क्लियर है कि शशिकला चीफ मिनिस्टर बनना चाहती है। अखलाक सवाल ये भी है कि अगर शशिकला पहले से ही चाहती थी कि वो चीफ मिनिस्टर बने, तो आखिर ये जो फैसला है, ये जयललिता के निधन के एकदम तुरंत बाद क्यों नहीं लिया गया? आखिर क्यों रातों रात पन्नीरसेल्वम को शपथ दिलाई गई? पन्नीरसेल्वम को शपथ दिलाई गई, इनको सेक्रेटरी बनाया गया, इनको टेम्परेरी सेक्रेटरी बनाया गया, पन्नीरसेल्वम को शपथ दिलाकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उसके फौरन बाद जो इनके रेजिग्नेशन की बात आ गई सामने, जैसा कि आज के सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि क्या हुआ। तो ये तो अपने आप में एक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की असलियत है जो इस तरह से सामने आई है कि हाँ, शशिकला को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया, नहीं बनाया गया, और ओ पन्नीरसेल्वम को बनाया गया। तो ओ पन्नीरसेल्वम की पोजीशन पे जाहिर सी बात है ऑब्जेक्शंस रही होंगी, तभी उनको रिजाइन करना पड़ा, चूंकि हम जिस कगार पे आके आज खड़े हुए हैं वहां तो साफ ये बात कही जा रही है बिल्कुल पूरे तौर से कि रिजिग्नेशन जो है वो प्रेशर के अंडर प्रेशर होके ही उनको देना पड़ा, वरना वो रिजिग्नेशन ना देते। और रिजिग्नेशन अगर अंडर प्रेशर है तो जाहिर सी बात है कि भाई लड़ाई वो पॉलिटिक्स की है, और लड़ाई इस बात की है कि अगर इनको पहले बना दिया गया चीफ मिनिस्टर तो हम इससे अग्री नहीं करते हैं, इनको ये रिजाइन करें और हम जो है दूसरा चीफ मिनिस्टर यानी शशिकला के रूप में सामने लेके आए। तो बिल्कुल अगर एक बात हुई है तो उसको किसी तरह से रोका जा रहा है, किसी तरह से जो रास्तों को बदलने की कोशिश की जा रही है, यही चीज सामने है। अगला दिलचस्प बात एक ये भी है कि फिलहाल पन्नीरसेल्वम से इस्तीफा ले लिया गया है, लेकिन शशिकला ने कहा है कि अभी वो शपथ नहीं लेना चाहती हैं। उनका ऐसा कहना है कि वो चाहती नहीं है, हालांकि वो ले सकती हैं, तमाम विधायक उनके साथ हैं, ये उनका कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अब बीच में आ चुका है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा फैसला नहीं आ जाएगा, जब तक शशिकला की राह आसान नहीं होगी। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि आखिर तमिलनाडु का क्या होगा, क्योंकि तमिलनाडु इस वक्त बड़ी कुछ नीतियों से गुजर रहा है, जैसा कि चाहे वो जलीकट्टू को लेकर जो हंगामा है वो बदस्तूर जारी है, या सेंटर के साथ उनका जो मामला चल रहा है वो भी एक बड़ी बात है। दूसरा
जो अभी वहां पे वर्धा तूफान आया था समुद्री तूफान, उसके भी घाव अभी भर नहीं पाए हैं, या वाटर मिटिगेशन का है चेन्नई के बिल्कुल साथ। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि एक राज्य को चाहिए कि उसका एक प्रभावी नेता हो, और ऐसे में कोई भी अगर नहीं होगा सीएम तो तमिलनाडु का क्या होगा। देखिए पनीर सेल्वम ने इस बात को पे जोर दिया जब उन्होंने रिजाइन करने के बाद रिवोल्ट किया जी, कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी चल रही थी और हमारी गवर्नमेंट ने वाटर मिटिगेशन जो चेन्नई का है वो काफी हद तक के बैलेंस किया था, यानी वाटर क्राइसिस को उन्होंने मिटिगेट किया था, काफी हद तक सीवरेटी को खत्म किया था, काफी हद तक क्राइसिस को खत्म किया था, और उसके बाद जो है जल्लीकाट्टू का इशू उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह निपटाया था। उसके लिए उन्होंने सेंटर से बात भी की थी, मोदी जी से बात की थी, और इस तरह से जो है जल्लीकाट्टू का इशू सॉल्व हुआ था। और इसके अलावा जो है एक थर्ड फैक्टर यह भी था कि जब वारदा साइक्लोन आया तो उसके डैमेजेस को उन्होंने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया। इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया है कि हमारी गवर्नमेंट अच्छी चल रही थी, और ये इन बात के एग्जाम्पल्स हैं, हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी थी, मगर यह है कि इस जो एम्बिशियस नेचर होता है आदमी का, वो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर, मतलब आगे बढ़ने के लिए उसको लालच में डालता है। और यही बात वो कह रहे हैं कि चूंकि लोग वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, मेरी पोजीशन लेना चाहते हैं, और मेरी पोजीशन पे मेरी अपनी पोजीशन से मुझे हटाना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे प्रेशराइज किया गया, तब मैंने रिजिग्नेशन दिया। तो ये लड़ाई जो है इस तरह से कहा जाएगा कि इस लड़ाई में तमिलनाडु तो पूरी तरह से पिस के रह जाएगा। तमिलनाडु पिस जाएगा, ये सही बात है। और सबसे बड़ी बात लेकिन ये भी है कि अखलाक आपने बात की है कि उनकी जो भूमिका रही है शशिकला की जी, वो तो शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रही है। यहाँ तक कि अम्मा के निधन के से पहले भी शशिकला कंट्रोवर्सीज में आ चुकी हैं, और कंट्रोवर्सी ये थी कि अम्मा ने ही खुद ही आरोप लगाया था शशिकला पे कि उन्हें स्नो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही जी, जी, जी। और अब जबकि अम्मा का निधन हो चुका है, जयललिता हमारे बीच नहीं है, ऐसे में अपोलो अस्पताल की भूमिका और शशिकला की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो मौत थी क्या वो स्वाभाविक थी, या फिर उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश रची गई थी। देखिए इस डेथ के ऊपर भी प्रोब करने की बात हो रही है, और बाकायदा जो है शशिकला तो चिल्ला चिल्ला के इस बात को कह रहे हैं कि अम्मा ने कोई अपना एयर या कोई अपना जो है मतलब उत्तराधिकारी जिसको हम कहेंगे, कोई एयर या कोई उत्तराधिकारी क्यों नहीं चुना, जबकि सभी जानते हैं कि पनीर सेल्वम को उन्होंने उत्तराधिकारी के तौर पर चुना, और हॉस्पिटल में यह बात की कि पनीर सेल्वम जो है वो चीफ मिनिस्टर हो मेरे बाद, मगर यह है कि इसी बात पर शशिकला ने जोर दिया कि उन्होंने उत्तराधिकारी नहीं। इससे पहले भी आपको रोकना चाहूंगा, जब जैसे कि अम्मा कभी जेल में गई है, उनका स्वास्थ्य में कोई खराबी हुई, तब पनीर सेल्वम को ही ये कमान सौंपी गई जी, और जी, मुख्यमंत्री जी, का पूरा पदभार उन्होंने संभाला। बिल्कुल बिल्कुल। और जबकि अम्मा लंबी बीमारी से जूझ रही थी, पिछले डेढ़ महीने से अस्पताल में भर्ती थी, तो ऐसे भी उनकी गैर मौजूदगी में उनकी तस्वीर को सामने रख के पनीर सेल्वम ने सारे डिसीजन लिए और एज अ सीएम काम किया। आज भी वो मेमोरियल से वापस आने के बाद ही आगे बढ़े, उन्होंने जो भी बात की वो अम्मा के मेमोरियल पे गए, आधे घंटे रहे, काफी लोग जो है काफी इमोशनल थे उस टाइम पे, उसके बाद उन्होंने जो भी रिवोल्ट करना था वो किया। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा एक लाख सवाल ये भी उठता है कि जैसे कि अम्मा का निधन हुआ और उनका जो राजा जी मेमोरियल है उसमें उनका एक शव रखा गया, और ऐसे में जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो पनीर सेल्वम को गले मिलकर उन्होंने सांत्वना दी, और उधर से शशिकला के भी सिर पे हाथ रखा, एक आशीर्वाद भी कह सकते हैं, सांत्वना भी कह सकते हैं। उस वक्त भी कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी माइलेज लेकर जाएगी, और कहीं ना कहीं जो मौत हुई है जयललिता की, जो निधन हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी के जो बड़े नेता हैं, टॉप लीडर हैं, उन पर बीजेपी हाथ रख सकती है, और ऐसे में फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और पनीर सेल्वम की नजदीकियां सामने आ रही हैं। बीजेपी और पनीर सेल्वम की नजदीकियों के ऊपर बात की जा रही है, मगर ये बात जो है वो शशिकला की पार्टी की तरफ से की जा रही है, और कांग्रेस साफ साफ ये कह रही है कि ये बीजेपी अकेली है जो ये पॉलिटिक्स खेल रही है, और पनीर सेल्वम के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया, जल्लीकाट्टू का इशू हो या कोई भी इशू हो, उससे जो भी नजदीकियां बनी उन नजदीकियों को वो कैश करा रहे हैं, और किसी भी तरह से जो है वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि तमिलनाडु स्टेट में बीजेपी की अभी तक कोई जगह नहीं रही है, तो वो चाहते हैं कि कोई हमारा स्पेस बन जाए और इसका माइलेज लेना चाह रहे हैं। अच्छा एक और आखिरी सवाल यह है कि शशिकला चाहती है कि वो भी सीएम बने, लेकिन उनका यह सफर कितना मुश्किल भरा होगा, कितनी जो राह है वो कितनी मुश्किल भरी है मुख्यमंत्री पद के लिए शशिकला के लिए। देखिए स्टार स्ट्रक लोग हैं वहां पे, क्योंकि जाहिर सी बात है जयललिता का टाइम रहा है, जयललिता के बाद अब जो भी सीएम आएगा उससे उसी तरह की एक्सपेक्टेशन होंगी कि हम बिल्कुल
फॉलो करने की कैपेसिटी में हो, और जाहिर सी बात है कि ऐसे में तमिलनाडु स्टेट को संभालना मुश्किल नहीं होगा। तो अगर जयललिता, और अब जबकि ये कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी है जहां पर शशिकला और पनीरसेल्वम के बीच के डिफरेंसेस बिल्कुल साफ हैं एआईडीएमके, अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि एआईडीएमके जो है वो स्टेबल रह पाती है या नहीं रह पाती है, क्योंकि जो डीएमके के जो डीएमके के एमके स्टालिन है उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि पनीरसेल्वम का हम लोग पूरे तौर से सपोर्ट करेंगे। पनीरसेल्वम को अगर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर था तो ऐसा इस बात की प्रोब की जाएगी, इस बात की पड़ताल की जाएगी, और अब इस बात की अब एआईडीएमके की स्टेबिलिटी पे ही सारी बातें टिकी हुई हैं कि उसका तमिलनाडु का क्या होगा या फिर जो है आने वाले दौर में हम किस तरह की पॉलिटिक्स देखेंगे। अच्छा, वक्त चूंकि कम है, एक सवाल और आपसे लेते हैं अखलाक, और सवाल ये है कि पनीरसेल्वम ने कहा है कि समर्थन वो अपना बहुमत साबित करके दिखाएंगे, और अगर उन्हें अच्छा समर्थन मिलता है विधायकों से तो वो अपना इस्तीफा वापस लेंगे और वापस उसी सत्ता में काबिज होकर दिखाएंगे, मुख्यमंत्री बनकर दिखाएंगे। तो ये बात इस बात में भी काफी दम है चूंकि काफी एमएलएज उनके सपोर्ट में आ चुके हैं जी, और इसी बात तभी उन्होंने रिवोल्ट भी किया जब एमएलएज ने इस बात की आवाज उठाई है कि हम आपके सपोर्ट में हैं। तो अगर उनका विद्रोह जारी रहा तो पूरे चांसेस हैं कि हाँ वो इस अपनी बात को करने में कामयाब होंगे, उसको प्रैक्टिकल में करके दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी मामला 50-50 का